हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो एप्लीकेशन से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो मंगाते किस तरीके से हैं। इसी के साथ में अगर वो प्रोडक्ट हमारी पसंद का नहीं निकलता है, जैसे कि ख़राब निकलता है या फिर कोई अन्य दिक्कत आती है तो हम उसे वापस करना चाहते हैं तो रिटर्न की जो रिक्वेस्ट है किस तरीके से डालते हैं, इसी के साथ में हमें पैसे किस तरीके से मिलते हैं वापस, चाहे आपने कैश ऑन डिलीवरी अपना प्रोडक्ट मंगवाया हो, चाहे आपने पहले पेमेंट कर दी हो प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है वो लेने से पहले। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं मीशो एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ ये बॉच, ठीक है। अब ये बॉच है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये बॉच को यहाँ पर जैसे कि ख़रीदूँगा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कितने रुपए की है, 139 रुपए की, ठीक है। इसी के साथ में अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये 16 कॉइन्स मिलेंगे जो कि आप बाद में शॉपिंग कर सकते हैं इनके ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर रेटिंग भी देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल है, कलर ब्लैक है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप इसमें जो रिव्यू हैं वो देख सकते हैं किस तरीके की आई है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिलीवरी, ठीक है। अगर आप मंगवाते हैं तो आपको कब तक ये मिल जाएगी, यानी कि 24 नवंबर तक आपको ये मिल जाएगी, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी, यानी कि आप जब आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा तब आप पैसे दे सकते हैं और आप पहले भी पेमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ में आपको 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी आपको देखने को मिल रही है, ये ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसे सिंपली बाय करते हैं। इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आल इशू यानी कि किसी भी तरीके का इशू आता है तो आप यहाँ पर वापस कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तब भी आप वापस कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर 137 रुपये देंगे तो कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो सही नहीं निकलता है तभी आपका वापस होगा यहाँ पर, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो हम आल वाले पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है मैंने इसे ब्लर कर दिया है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, यानी कि पेमेंट आप पहले करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने वॉलेट वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं और आप यहां पर कैश ऑन डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। उसके बाद में प्लेस ऑर्डर, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और जो आपका ऑर्डर है वो यहां पर लग गया है, ठीक है। जो ऑर्डर है वो आपका यहां पर लग गया है। बाद में आप अपना यहां पर ऑर्डर देख सकते हैं और जो आपका ऑर्डर है वो 24 नवंबर तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो अभी आप यहीं से ही ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, पर मुझे यहां पर ऑर्डर मंगवाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्डर को हम रिटर्न यानी कि वापस करते हैं। अब जो ऑर्डर है जैसे कि हमारा यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हालांकि पैक हुआ हुआ है तो मैं इसे एक हाथ से ही इसे कर लेता हूँ, ठीक है। और एक तो केबल वगैरह ना कट जाएंगे, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरीके से इसमें निकला है, जैसे कि देख सकते हैं गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर ये निकला है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर इसे निकालते हैं, इसमें हो चुका है, एक कूपन भी मिला है, बधाई हो आप जीत सकते हैं 500 तक, ठीक है। बाकी की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं, ये कूपन है, ठीक है। कैश बैक यानी कि 5 रेटिंग्स आपको देनी होंगी, कहने का मतलब इनका ये है। ये इसमें बॉच है और मैं इसे निकाल लेता हूँ डिब्बे में से, सोखता है कुछ इस तरीके की, इसमें बॉच है। मैं चलिए इसे निकाल लेता हूँ अभी, कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये वॉच है, ठीक है। कुछ इस
तरह की है, ठीक है। तो फिलहाल ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसे वापस करूँगा तो किस तरीके से करूँगा वो चलिए हम जान लेते हैं। हैं जैसे कि बैड या फिर गुड, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर जो रेटिंग है इससे बैड दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, किस चीज़ को लेकर, ठीक है, क्वालिटी को लेकर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मटेरियल्स को लेकर भी आप यहाँ पर रेटिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मटेरियल्स है वो तो ठीक ही है, ठीक है, तो मटेरियल्स तो ठीक ही है, ठीक है। तो हम चलिए मटेरियल को लेकर यहाँ पर दे देते हैं सही। उसके बाद में कलर, कलर भी यहाँ पर गुड ही है जो हमने मंगाया था, ठीक है। उसके बाद में और आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर दे देते हैं बैड। उसके बाद इसकी आप प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसे हम इसमें फ़ोटो कर देंगे क्लिक करके, और उसके बाद में नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ बोल कर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। पा रहा है रिटर्न एक्सचेंज अवेलेबल, ठीक है। तो 22 नवंबर तक है, तो हम यहाँ पर रिटर्न एक्सचेंज पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वजह से यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो जो एक्सचेंज का और रिटर्न का ऑप्शन आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से क्या करेंगे, क्वालिटी को लेकर यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इस आइकन पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस आइकन पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि रिटर्न एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जबकि पिकअप यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट लेने आएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, तो वो आप किस जगह से आप इस ऑर्डर को देना चाहते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, पर हमारा एड्रेस वही है तो हम यहाँ पर एडिट नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न पर सिंपली क्लिक कर दिया है। एक्सचेंज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो मैं इसे रिटर्न ही करना चाहूँगा, तो मैं चलिए इसे सबमिट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो आपका रिफंड है वो आप मीशो में लेना चाहते हैं या फिर आपने गूगल पे से किया है तो आप उसी में ही लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने गूगल पे को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है गेट रिफंड इन UPI ID, ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब जो मेरा रिटर्न है, जो मेरे पैसे आएंगे वो मेरे गूगल पे में आ जाएंगे, ठीक है, UPI ID के ज़रिए। तो चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब चेक करने के लिए आपको किस तरीके से चेक करना है, तो सिंपली आपको माई ऑर्डर पे जाना है। माई ऑर्डर पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न का जो आइकन है वो यहाँ पर आ चुका है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है, और आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं, और अपने ऑर्डर को अगर आपने ख़रीदा है और आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर वापस भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।